हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पायल्स क्रिएटिव कॉर्नर। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो पुराने पिलो केसेस, यानी मेरे पास जो भी कुशन केसेस थे जो मैंने हाथ से बनाए थे उसको मैं आज रीयूज़ करने जा रही हूँ। कुछ अलग नया तरीके से मैं इसको रीयूज़ कर रही हूँ। चलिए इसका ये कैसे मैंने बनाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पैरा से लिया है, मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे दो पिल्लो कवर्स ली थी, ये मैंने हाथ से बनाए थे, बहुत पुराने हो गए थे। ये मेरी पुरानी कुर्ती से बनाई थी मैं, तो ये दो पिल्लो केसेस बहुत दिन से मतलब इसका रीयूज़ करना था मुझे, तो आज मैं इसका रीयूज़ कर रही हूँ। मैं जो भी पिल्लो केसेस बनाती हूँ वो डबल बनाती हूँ, दो दो पिल्लो केसेस सेम कलर के बनाती हूँ। तो उसी हिसाब से अभी इसको उल्टा करके मैं सारे स्टिचेस कर खोल रही हूँ। इसके सारे स्टिचेस मैं अच्छे से ओपन कर दूँगी। देखिए, ये मैंने हाथ से ही बनाए थे पिल्लो कवर, तो इसको स्टिचेस खोलने में मुझे बहुत ही आसान है, दिक्कत कोई नहीं होगी। तो मैं इसको आसानी से मैं इसका खोल दूँगी। और दूसरा जो ये थोड़ा मैं मशीन से की थी, थोड़ा सा हार्ड है, पर इसको भी मैं सिलाई खोल दूँगी। सिलाई खोलने से ये होता है फ्रेंड्स कि अपना जो भी काम है अच्छे से परफेक्ट होता है, शुरू से मतलब एकदम क्लीन एंड फिनिशिंग से बनता है। अपन सिलाई नहीं खोलते, कट कर देते, उससे कपड़ा भी वेस्ट होता है और डिज़ाइन फिनिशिंग भी सही से नहीं होती है। तो इसी हिसाब से मैंने सारे ये खोल रही हूँ। ये बहुत टर्निंग, एक साल दो साल पुराने कुर्ती के मैंने ये बनाए थे। जब घर बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो रही थी, तो मैं ऐसा कुछ ना कुछ बनाना मेरी एक आदत है, तो उसी को मैं बनाई थी। आज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, कुछ अलग लुक देना चाहती हूँ घर में, इसलिए मैं इसको देखिए कुछ इस तरह मैं ओपन कर दी हूँ। ये दो पिल्लो केसेस हैं, मैं जो भी पिल्लो केसेस बनाती हूँ डबल बनाती हूँ, मैंने आपके साथ बताई भी हूँ। तो अभी ये जो तो अच्छे से इसको धागे निकालने के लिए ऐसे इसको एक बार झटक देती हूँ। अभी क्या करती हूँ, मैं ये पिल्लो केस ले रही हूँ इसको अच्छे से, इसका पहले मेज़रमेंट देखती हूँ कितना मेज़रमेंट का है। तो ये लगभग है, देखिए इधर से तो ये 18-19 का सेंटीमीटर है। तो मैं इधर क्या करूँगी, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे 15 इंचेस का मार्क कर लियो और इधर से भी टाइट कटिंग कर देती हूँ। हम भी इसको मैं कट कर देती हूँ, जो भी ये एक्स्ट्रा पार्ट है इधर का, तो इसको मैं कट कर दी हूँ। अरे, इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा उल्टा फोल्ड करूँगी, मैं थोड़ा डबल और ट्रिपल फोर टाइम्स फोल्ड कर दूँगी, ताकि इससे क्या होता है मेरा जो भी अगला कटिंग है वो अच्छे से हो जाए और टाइटली कटिंग हो जाए। इसलिए मैं सारे क्या करूँगी, 3-3 इंचेस पे मार्क लगाऊँगी। ये 3-3 इंचेस पे मार्क लगाने के बाद देखिए, सारे मैंने 3-3 इंचेस पे मार्क लगाया, तो मैं कुछ इस तरह कट करूँगी ताकि ये परफेक्ट कटिंग हो, इसमें कोई भी टेढ़ा बेढ़ा ना जाए, इसलिए मैं इसको फोल्ड करके कटिंग करती हूँ। और ये बहुत ही सूचेबल रहती है क्योंकि ये बहुत कॉटन है, प्योर कॉटन के ये कुर्ती थी मेरी, तो उसी के हिसाब से ये बहुत ही प्यारे भी लगेंगे और आसानी से भी इसकी कटिंग हो जाएगी। कुछ इस तरह मैं ये ग्रीन पिल्लो कवर को भी इसी तरह इसी मेज़रमेंट से कट करूँगी, 15x3 इंचेस के। देखिए कुछ इस तरह 15 इंचेस, देखिए 15 इंचेस और 3 इंचेस से मैं इसका मेज़रमेंट कट कर दूँगी। देखिए जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है साइड में अच्छे से कटिंग ले लूँगी, इससे क्या होता है मेरा जो भी फिनिशिंग है, जो भी काम है इसका परफेक्ट फिनिशिंग होता है। इसको मैं अभी देखो उसी की वजह से जैसे फोर डबल फोल्ड करके 3-3 इंचेस के मार्क करके मैं इसको कट कर रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह इस तरह से फ्रेंड्स, जो भी अपना नए नए DIYs मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे DIYs कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए फ्रेंड्स। देखिए ऐसे अभी रेड और ये ग्रीन हो गए, तो इसको अल्टरनेटली मैं इसको ऐसे बिछा के ये ग्रीन कलर को इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच कर दूँगी यहाँ पे, और इसको कुछ इस तरह ओपन करूँगी। फिर इसके बाद इसको रेड को कुछ इस तरह यहाँ पर रख के यहाँ पर स्टिच कर दूँगी, फिर उसको इसे टर्न कर लूँगी और उसी तरह यहाँ पर ग्रीन रेड ग्रीन ऐसे अल्टरनेट कलर्स को मैंने स्टिच कर दी हूँ। देखो स्टिच करने बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट पीछे बचता है उसको लेवल में कट कर रही हूँ। सेम इसी तरह मैंने और एक भी पीस कट कर दी हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। देखिए
इसको मैं उल्टा रखूँगी, उल्टा रख के क्या करूँगी, इसको अच्छे से दो साइड स्टिच कर दूँगी, सॉरी तीन साइड इसका स्टिचिंग कर दूँगी, तीन साइड अच्छे से स्टिच कर दूँगी। और स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह रहेगा। अभी इसको क्या करूँगी, मैं अच्छे से ओपन टर्न कर लूँगी, कॉर्नर्स को अच्छे से निकालूँगी ताकि कॉर्नर्स ही मेन लुक देता है इस कुशन में, तो कॉर्नर्स को अच्छे से निकालूँगी। तो अभी देखना है कुछ इस तरह लग रहा है। अभी इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा पुराना कुशन, जो कुशन भी मैंने हाथ से ही बनाई थी, पुराने कपड़ों वगैरह अपने घर में रहते हैं तो उसी से मैंने हाथ से ही कुशन बनाए। मैं ज़्यादातर मेरे घर में मेरे हाथ से बनाने के प्रयास करती हूँ, यानी ज़्यादातर मेरे घर में मेरे हाथ के बने हुए चीज़ें मिलते हैं, मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो ओपन पार्ट है उसको कुछ इस तरह मोड़ के इसको अच्छे से सिलाई कर दूँगी। मैं सारा पार्ट अच्छे से सिलाई स्टिच कर दूँगी, देखिए सब स्टिच कर दूँ। एंड में मैं अच्छे से नॉट देखो इसका क्लोज करके एक्स्ट्रा धागे को मैं कट कर दी हूँ। अभी देख सकते हैं कितना प्यारा सा है मेरा ये पिल्लो कवर, कितना नया लुक में बन गया है ना फ्रेंड्स। चलिए ये दूसरा पिल्लो केस बनाते हैं। इसके लिए मैंने सेम कुर्ती के मीन सेम पिल्लो केस के 4x4 इंचेस स्क्वायर पीसेस कट किए हूँ। अभी इसको कुछ इस तरह देखिए, मैं उन्हें बहुत सारे स्क्वायर पीसेस कट कर दी हूँ। जो भी कपड़ा बचा था मेरे पास, जो भी पिल्लो केस का कपड़ा बचा था, उसके सारे मैंने स्क्वायर पीसेस कुछ इस तरह कट कर दी हूँ। अभी इसको मैं क्या करूँगी, अल्टरनेटली स्टिच करूँगी जैसे मैंने पहले उसमें किया था वैसे। अभी ये दो को पहले यहाँ पे स्टिच करके इसे ओपन कर लूँगी, फिर एज इट इज़ उसके बाद दूसरा कलर मैंने अपोजिट कलर्स लेती हुई स्टिच करके फिर उसको फोल्ड करती रहूँगी। इसी तरह मैं और 3-4 लाइंस तक मैं इसी तरह करूँगी ताकि ये सारे स्टिचेस अच्छे से, मतलब इसका एक डिज़ाइन एक पैटर्न बन जाए। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे, मतलब जो भी ऊपर कलर है उसके नीचे अपोजिट कलर को उल्टा रख के स्टिच करके उसको वापस सीधा करती रहूँगी। अब देख सकते हैं ऐसा कुछ इस तरह मैंने स्टिच कर दी हूँ, सेम एज इट इज़ इसी माप का मैंने और एक सेम स्टिच कर दी हूँ। अभी ये दो को क्या करूँगी, उल्टा रखूँगी, उल्टा रख के इसको मैं देखिए कुछ इस तरह अच्छे से परफेक्ट रखूँगी। अब देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये लग रहा है। तो अभी इसको तीन साइड अच्छे से स्टिच कर दूँगी और तीन साइड स्टिच कर रही हूँ इसके, देखिए सारे तीन कॉर्नर्स पे अच्छे से इसको स्टिच कर दूँगी, सारे तीन कॉर्नर्स अच्छे से मैंने स्टिच कर दी थ्री साइड से और उसको सीधा कर दूँगी। सीधा करने के बाद देखो कितना ब्यूटीफुल एक पिल्लो मेरा केस लग रहा है। तो अभी मैं इसमें डालूँगी, इंसर्ट करूँगी मेरा पिल्लो, क्योंकि पहले कॉर्नर्स को मैं अच्छे से निकालूँगी क्योंकि बिना कॉर्नर्स के ये कुशंस के शोज रहते हैं। तो कॉर्नर्स को मैंने अच्छे से ओपन कर दी हूँ। तो अभी मैं इसके अंदर इंसर्ट करने वाली हूँ मेरा कुशन। ये भी मैंने हाथ से ही बनाया था, इस कुशन को मैं इसमें इंसर्ट करूँगी और ओपन पार्ट को अच्छे से स्टिच कर दूँगी। बहुत ही आसान है कुशन्स बनाना। ये कुशन्स बनाना भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, सिर्फ इसमें चाहिए वेस्ट अपने पुराने कपड़े ही। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से ये ओपन पार्ट को कुछ इस तरह क्लोज करके मोड़ के स्टिच कर दूँगी। देख सकते हैं आप इस तरह सारे स्टिच कर दें, कितना प्यारा ये पिल्लो केस लग रहा है। देखें ना फ्रेंड्स, मैंने दो अलग अलग पिल्लो केसेस से दो अलग अलग नए नए तरीके के दो नए यूनिक डिज़ाइंस मैंने बनाए। आपको मेरे पिल्लो केसेस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में नई डीएवी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय।